है ना, कितना खूबसूरत माहौल यार। देखो आपका भी दिल कर रहा होगा कि हम भी सुबह उठे अपने कैंपिंग टेंट से और कुछ इस तरह का नज़ारा दिखे। जो सामने दिख रहा है ना, सारा जोगिंदर नगर का एरिया है जो रात हमने क्रॉस कर लिया था, और अभी हम निकलेंगे वैजनाथ की ओर, जो इधर से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है, सिर्फ 15 किलोमीटर है। तो प्यार भरी सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह यार माहौल देख के ना दिल खुश हो गया, और सुबह सुबह अपना पार्टनर भी वापस आ चुका है जो हमारा गया था, तो सविता जी भी वापस आ चुके हैं, अभी जस्ट पहुंचे ही हैं। तो हमने टेंट में उनको सुला दिया कि सो जाओ आधे घंटा इतने, और अपने लिए यार केस भी ले आए, अपना कैमरा ना टूट गया था तो उसके लिए केस भी ले आए। उनको मैंने बोला था कि केस ले आना दिल्ली से, तो वो केस भी ये लेकर आ गए हमारे लिए। देखो यार इतने अच्छे दोस्त हैं अपने। तो चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ। चाय पीकर आते हैं ऊपर किसी होटल में, बट चाय से पहले ब्रश कर लें। इधर में ना साथ में वाटरफॉल है एक, उधर में ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर चाय जो पी के आगे की ओर निकलते हैं। तो इस तरह से अपने दिन की आज शुरुआत करते हैं। तो चलो यार चलते हैं। तो अपने कद्दू भाई ने ना बाइक गिरा दिया भैया, ऊपर ही लेके आ गया। हमने बोला था नीचे लगा दो, पर ये ऊपर ही लेकर आ गया, अब ये उठानी पड़ेगी। पेट्रोल छिट गया, पेट्रोल गिंट गया भैया, जल्दी कर। ओ बले बले, चल चल जो लगा। भाई वेट ही बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या क्या पत्थर ईंट रोड़े लगा रखे इसने। पेट्रोल गिर गया सारा। पेट्रोल का तो हो जाए, कोई चक्कर नहीं। सुबह का समय हुआ 11 और हमने ना 5-6 किलोमीटर की अपनी राइड है जो कंप्लीट कर ली है, और अभी भूख लगी है, और सुबह सुबह खाया भी नहीं था ना कुछ, चाय तक नहीं पी है। तो सुबह अपना ब्रेकफास्ट आया है, तंदूर वाली रोटी है, बड़ी पतली सी है, अच्छी है, और साथ में है चने की सब्जी एंड कड़ी। तो ठीक है, सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं आगे वैजनाथ की ओर। वैजनाथ की दूरी है ना जो इधर से सिर्फ 12 किलोमीटर रह गई है, और इधर से वीर बिलिंग है जो वो भी बिल्कुल पास में ही है। वीर बिलिंग तो हमने जाना नहीं, हम वैजनाथ निकलेंगे सीधा इधर से। तो ठीक है, अपना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं वैजनाथ की ओर। मिलते हैं थोड़े समय के बाद आपको। हेलो, दोपहर का समय हुआ है, 12 बज गया, पूरा 1 घंटा लगाया यार हमने खाना पीना खाने में, मजे से बैठकर खाई, 5-6 रोटियां खा ली, अभी पेट भर गया। सीधा चलते हैं वैजनाथ की ओर यार, निकलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि धूप बहुत कड़क वाली हो चुकी है। चलते हैं। तो कांगड़ा वैली में आप सभी का स्वागत है यार। मेरे को तो आज पता लगा कि हम कांगड़ा वैली घूम रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो और ही कुछ अंदाज़ा लगा ही बैठा था कि अभी तक पार्वती वैली चल रही है, बट वो हिमाचल में है ना, ख़त्म होगी। इधर में कांगड़ा वैली है क्योंकि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और अभी हम पहुँच चुके हैं वैद्यनाथ। सामने है ना जो वैद्यनाथ जी का मंदिर है, तो भगवान शिव का मंदिर है, चलते हैं भगवान के अंदर दर्शन करते हैं। इधर से ना पालमपुर की दूरी है सिर्फ 18 किलोमीटर रह गई है यार, बिल्कुल हम नज़दीक होते जा रहे हैं। अपना सफ़र है ना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, तो अच्छी बात है। थक गए थे चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ के यार, अभी मज़े वाली इंजॉयमेंट होने लगी है। और सामने देखो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत माहौल है ना, देखो ऊपर ये है ना सारे जो माउंटेन्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे से माउंटेन है। अभी है ना धुंध की वजह से दिखाई नहीं देते, बादल आए ना इसके ऊपर, धुंध नहीं है बादल है एक्चुअल में सारे। तो सामने है बना हुआ मंदिर, तो चलते हैं। चारे ब्लॉगर है ना लाइन में लग गए हैं, कभी वो कैमरा खोल लेता है, कभी दूसरा कैमरा खोल लेता है। चलते हैं अभी भगवान के अंदर से दर्शन करते हैं, और मंदिर तो देखने में ना बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा है। तो अंदर से ना मंदिर के दर्शन कर लिए, बट अंदर से ना वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना है, तो हमने वीडियोग्राफी नहीं की। बट अंदर जब मंदिर की है ना, अभी रेनोवेशन चल रही है ना, तो रेनोवेशन के दौरान जो जो मूर्तियां ना मतलब अपनी जगह से हिल गई हैं ना इधर उधर, तो उनको इन्होंने ना कलेक्ट करके अंदर रख लिया है सभी को। मतलब यार बर्बाद नहीं होने दिया, जैसे भी आधी है, हाफ है, पूरी है ना, तो इसको ऐसे ही अंदर मंदिर एक कमरे के अंदर रख दिया है। सामने सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और सामने है मंदिर जो कि है ना 1204 ईस्वी का बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है यार वैद्यनाथ के अंदर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यार। और देखो कितना बड़ा ना, उसके अंदर लिंग था तो दूध डालते थे उसके अंदर, वो भी रखा हुआ है सारा। ठीक है चलते हैं इधर से, अपने भगवान के बढ़िया वाले दर्शन हो चुके हैं,
अंदर से दिखाने का बड़ा मन था यार, बट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम नहीं बना सकते, इसीलिए चलते हैं अभी। वो जो सामने आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, वो लाइन है रेलवे की लाइन है। इधर में ना टॉय ट्रेन चलती है कांगड़ा वैली के अंदर, जो जोगिंदर नगर से शुरुआत होती है इसकी, और ये पठानकोट तक जाती है। टॉय ट्रेन है यार ये, होगी बहुत भैया, बहुत एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी ये। तो ट्रेन का कितना किराया लगता है? ट्रेन का ट्रांसपोर्ट का होगा साइज में बस, ये तो पुराने जमाने की ट्रेन है ना ये वाली तो। अरे यार बहुत सस्ती है, दार्जिलिंग में तो कम से कम कितना 10-12 किलोमीटर का 3000 ले लेते हैं यार, इधर तो बहुत सस्ता है। तो हम राइड जरूर करेंगे। एक बंदा हमारा आगे निकल गया। ओ हेलो, ओ फोन करी यार उसको, ओ चला गया यार आगे, देखो मुंह उठा के आगे चले जाते हैं। ओ बंदा इधर उधर तो देख ले कम से कम। तो चलो ठीक है, चाय पीते हैं यार। चाय पीने के लिए इधर रुके हैं हम, भैया चाय बना रहे हैं और खा पी भी लेंगे। चार बंदे हैं हैं, तीन तीन चाय बना दो ठीक है। थोड़ा बहुत खाते पीते भी इधर और फिर निकलते हैं आगे की ओर। भाई फोन करना यार उसको, उसको फोन कर दे। देख रहे हो ना पीछे मेरे है टी प्लांटेशन सारी है ना, इधर में टी गार्डन्स बने हुए हैं। और मेरे को नहीं पता था यार कि अपने अपर पार्ट में भी इधर में भी टी के गार्डन होते हैं। बट अभी पीछे ना भाई जी बात कर रहे थे कि आगे बहुत टी गार्डन है, टी गार्डन है। मैं कहा कि ये ऐसी बात कर रहे होंगे, बट जब अभी देखा कि हाँ यार सच में इधर में ना टी गार्डन्स है। पालमपुर के अंदर पूरे टी गार्डन ही टी गार्डन है यार, हर तरफ देखो। वाह यार अभी आगे और भी देखने को मिलेगा। और है ना इधर में टॉय ट्रेन चलती है जैसा मैंने बताया ना आपको, वो अभी बंद पड़ी है यार। अगर खुली होती है ना साइकिल उस पर रख के उसकी राइड करते यार 15-20 किलोमीटर की, तो बड़ा मज़ा आता। बट वो मौसम ख़राब होने की वजह से ना आगे कहीं कोई पहाड़ी टूटी हुई है उसकी वजह से बंद पड़ा है। तो फिलहाल हम रास्ते से जा रहे हैं तो टी गार्डन ही देखने को मिल गए यार। देखो कहीं आगे भी देखेंगे जहाँ पर प्लग होते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री होती है ना, अगर जाने की अनुमति दी उन्होंने तो ज़रूर जाके हम एक बार अंदर देखेंगे क्या प्रोसेस होता है, ये सारी बातें हैं। चलते हैं धीरे धीरे यार, धूप बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप हो गई है इधर में। समय हुआ है दोपहर के 4, शाम के ही हो गए हैं यार। आज ना बिल्कुल भी चलने का मन नहीं कर रहा यार, इतनी ज़्यादा आलसीपन हो गया ना अंदर कि चला ही नहीं जा रहा। सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया अपना पालमपुर, पर हाइट की वजह से, गर्मी की वजह से, और कुछ मन अभी ऐसा हो रहा है, उतावला हो रहा है कि घर चले जाए जल्दी जल्दी, उसकी वजह से ना कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा यार। तो अभी वेट कर रहे हैं अपने साथियों के, पीछे आ रहे हैं सारे जने, बस और तो कुछ नहीं है यार। बैठे हैं, गर्मी की वजह से बुरे हाल हो गया, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो गया यार आज और कल, बहुत ज़्यादा गर्मी मिली हमें। बारिश हो जाए इससे अच्छा तो वो सही है यार। हाँ हाँ पालमपुर की दूरी है ना अभी भी इधर से 3-3.5 किलोमीटर पड़ी है। और अपना मोटू है ना पता नहीं यार क्या करने लग रहा है, कद्दू सा कभी कुत्ते को पकड़ लेता है कभी छोड़ देता है, अभी उसको अंदर से छोड़ दिया इधर। तूने छोड़ा अंदर? अरे उधर से चला गया। अच्छा मेरे को लगा इसने छोड़ दिया, बोला मेरे को अपने साइकिल पर रख ले यार, साइकिल पर रख तो लूँ, पहले ही वजन इतना ज़्यादा है। चलते चलते ना भूख लगने लगी, अभी खा रहे हैं हम मोमोज। मोटू बोला मोमो खाऊंगा। चलो मोटू मोमो खाते हैं यार। कद्दू कद्दू भाई का आप चैनल का नाम पूछ रहे हो यार, आपको बताया तो सही, बताओ भाई क्या नाम है? अर्शदीप व्लॉग्स। ए स्पेलिंग बोलो। ARSHDEEP अर्शदीप व्लॉग्स। हाँ जाओ यार मोटू को फॉलो करो जाकर, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कद्दू का चैनल दे दो, कद्दू का चैनल दे दो। ओ भाई वाह यार, मैचिंग अच्छा कॉम्बिनेशन है भैया। ठीक है यार अपने मोमोज बनते हैं, भैया लगा दो एक प्लेट यार। हाँ भैया तो अभी नोट गिन रहे हैं। हमें मंग ले आया ना तो दिन ले लो यार, अपने मोमोज खाते हैं फिर निकलते हैं। गुरुद्वारा साहिब है इधर में पालमपुर के अंदर, गुरुद्वारा साहिब रुकेंगे आज और कल आपको पालमपुर के आसपास की थोड़ी सी चीज़ें घुमाएंगे, फिर हम तकड़े वाला एडवेंचर करने वाले हैं।
फिर आपको ना ऐसे मतलब डेली व्लॉग देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें जैसी मैं पहले दिखाता ना वो देखने को मिलेंगी, बस आज का दिन और झेल लो यार। तो ठीक है, अपने मोमोज खाते हैं फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो यार मोटू हटता नहीं है, ये क्या लेकर आया कद्दू तू? अरे नया दोस्त है हमारा। आपका दोस्त है? अपने मोटरसाइकिल पे रख ले इसको, तेरे जैसा ये भी चलेगा हमारे साथ ऑल इंडिया ट्रैवल। यार तेरे जैसा बिल्कुल, नया पार्टनर रख लिया कद्दू ने, ऑल इंडिया ट्रैवल, नया ट्रैवल पार्टनर। कद्दू मजाक नहीं कर रहा, कद्दू आधे घंटे से इसके साथ ना खेलने लग रहा है, तभी इसके साथ अच्छी सारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई है इसकी। ठीक है कद्दू रख ले अपने पास, खाना मैं खिला दिया करूंगा। डन, ठीक है, चल ठीक है, डन, न्यू पार्टनर। हाँ केचप मत डालना इनमें, ये ऐसी जगह मोमोस के साथ केचप कौन खाता है भैया? डलवा रहे हो ना आप, उसमें केचप डालिए भाई। मैं खाता हूँ यार, मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता। आज के बाद चाय हम खाते हैं प्योर स्पाइसी। यार मोमोस के साथ वैसे केचप है ना जस्ती नहीं है, बट हम खा लेते हैं यार, फिर भी अच्छी लगती है केचप, मेरे को अच्छी लगती है। आ जाओ भैया। ठीक है यार, अपने गर्मा गर्म मोमोज हम इंजॉय करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं। बस आज का दिन आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेगा, उसके बाद लगातार अच्छी वाली चीज़ें आएंगी। बड़ा अच्छा सा अभी है ना, मैंने 8-9 दिन का प्लान बना दिया है, अभी पीछे 1 घंटा रुका था मैं, तो 1 घंटे के अंदर प्लान बना दिया सारा, उस हिसाब से चलेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये बोरिंग सी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, अपना कद्दू भाई ने पार्टी दिया आज न्यू पार्टनर की वजह से, तो चलते हैं खाते हैं अपना फिर निकलते हैं आगे। बढ़िया वाला अपना खाना पीना हो चुका है, बाद में हमने बिरयानी भी ऑर्डर कर ली, बिरयानी भी खा ली, बड़ी मजेदार थी। कहाँ बनानी आगे, कोई जगह तो देख लो, बहुत टेस्टी थी। नहीं दोस्त को नहीं लेके जाना है यार, क्यों? बेचारा यार खुश है, उसका घर है यहाँ पे, मम्मी भी है उसकी यहाँ पे। कहाँ? ये अंदर, अभी तो बोला लेके जाऊंगा। अरे फ्रेंड है हमारा, यहाँ मिला, हेलो किया, बाय बाय भी करना पड़ेगा। चलो यार सॉरी यार, मेरे को लगा पार्टनर नया मिल गया इसको, बट कहाँ था। चल ठीक है, बाय बाय बाय। थोड़ा सहमा हुआ है बेचारा, उदास हो गया ना कि तू लेके नहीं जा रहा। चलते हैं। रब्बा कद्दू अपना इतना ज्यादा हंसता है यार कि इसको देखकर ना हंसी अपने आप आ जाती है। तो अभी हमारा हो रहा है यार फाइनली डिनर का समय, और डिनर के अंदर अपने पास दाल आ गई है, ये सूखी सब्जी लगा दी है भैया ने, कुछ ये बैंगन बुंगन भरता भुरता बनाया भाई ने, तो बड़ा मजेदार है। भाई उधर लगा रहा है रोटियों को, और देख घर वाली रोटियां बन रही है गर्मा गर्म यार। तो ठीक है, अपना गर्मा गर्म रात का डिनर करते हैं, और टेंट भी हमारा लग गया है यार, जगह बड़ी अच्छी मिल गई है, पेट्रोल पंप के पास ही टेंट लगा लिया है हमने, और सुबह फ्रेश होने के लिए नहाने धोने के लिए भी सारा उधर ही हो जाएगा अपना। तो सुबह निकलेंगे हम, कहाँ निकलेंगे पता है, कहाँ निकलेंगे हम अभी हिमाचल की यात्रा छोड़ के ना, मतलब हिमाचल टूरिस्ट प्लेस हमने नहीं घूमने, हमने अभी घूमने हैं शक्तिपीठ हैं जो देवी माता के ना जो शक्तिपीठ है सारे घूमेंगे, चमंडा जी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, नैना देवी, वैष्णो देवी, है ना, जो भी सारे हैं, तो हम 7-8 दिन में ये कवर कर देंगे। करेंगे किस तरीके नाल, बड़े अनोखे तरीके से करेंगे 7-8 दिन में कवर, तो आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो कल से अपनी कांगड़ा चमंडा जी की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, अपना रात का भोजन करते हैं और सुबह मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय किसान। पालमपुर के अंदर यार कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है, इधर में ना टी गार्डन्स हैं और एक टी वाली कंपनी है, मतलब फैक्ट्री है, उसके अंदर बताते हैं कि कैसे टी निकलती है, तो वो तो यार अरुणाचल में जब हम गए थे, कहाँ गए थे, दार्जिलिंग वाली साइड, तो उधर में देखा हुआ है, कोई इतना खास नहीं है, तो हमारे लिए नॉर्मल है वो, आप सब ने भी देखा ही होगा। तो ठीक है, आज के ब्लॉग को इधर ही हम एंड करते हैं, सुबह मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। चल सरदार, बाय बाय।